नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं संजय समर। प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष और झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन भी मौजूद थे। बैठक में हेमंत सोरेन ने कहा कि महागठबंधन के तहत 7-4-2-1 का फॉर्मूला कहाँ से आया मुझे पता नहीं। उन्होंने कहा कि किस सीट पर कौन दल अपना उम्मीदवार उतारने का जिद में है, यह भी तस्वीर 24 मार्च के बाद साफ हो जाएगी। झामुमो अपनी दो सीटिंग सीट दुमका राजमहल के अलावा गिरिडीह समेत अन्य लोकसभा पर दावेदारी पेश कर रहा है। उन सीटों में जमशेदपुर और चाईबासा में से किसी एक पर अपना कैंडिडेट उतार सकता है। देखिए, अभी हालांकि वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन का हिस्सा नहीं बना है, और चूंकि वहां एक षड्यंत्र के तहत हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को चुनाव आयोग ने अमान्य कर दिया है, और ये भी एक भारतीय जनता पार्टी का एक षड्यंत्र का हिस्सा के रूप में हम देख रहे हैं, और इन सभी की बिंदुओं को ध्यान में रखकर कैसे उन जगह पर हम चुनाव लड़े इस पर होली के दौरान राजधानी रांची में विधि व्यवस्था संभालने के रांची पुलिस द्वारा सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। होली के दरमियान सामाजिक सौहार्द न बिगड़े, रांची एसएसपी ने कहा कि सौहार्द बिगाड़ने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप वो सोशल मीडिया पर सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश दिया गया है। रांची एसएसपी ने अपील की है सौहार्द वातावरण में होली मनाएं। दोनों हैं, प्रिवेंटिव और बाकी जो विधि व्यवस्था के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं, संयुक्त आदेश निकला है। होली के पर्व को लेकर खासकर जो संवेदनशील इलाके हैं, चौक चौराहे हैं, वहाँ पे स्टैटिक फोर्स और पदाधिकारी साथ में मजिस्ट्रेट उपस्थित रहेंगे। उसके अलावा सभी थानों को इस बार QRT दी गई है। यदि कहीं किसी तरह की कोई सूचना आती है किसी अप्रिय घटना की, तो थाना स्तर पे ही फोर्स सफिशेंटली अवेलेबल रहेगा कि वो किसी भी परिस्थिति को उसमें रिएक्ट कर पाए। उसके अलावा जो कंट्रोल रूम है, इस बार 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, जिला नियंत्रण कक्ष कचहरी में, उसके बाद डोरंडा में और एक नगड़ी में 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, और एक मिनी कंट्रोल रूम कांके में भी बनाया जाएगा। पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने और हरित उपायों को अपनाने से ही समाज और देश की रक्षा हो सकती है। भारत जर्मन साझेदारी साल पूरा होने पर 160 जागरूक अभियान रांची के DPS स्कूल चलाया गया, जिसमें जर्मन डेवलपमेंट कारपोरेशन के विदेशी मेहमान भी शामिल हुए। आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।